पूरा कर देती है, आपके सपने साकार कर देती है। आयु राइफल है सबसे लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ाने वाली टारगेट को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी, स्वागत है मेरे चैनल में। आज एक नया टॉपिक, नया दिन और नया इतिहास आपके सामने। और मैं कुछ ये जो कोल्ड ड्रिंक की छोटी छोटी बोतल है बाकी मैं लेकर आया हूँ। आज स्पेशल एफएक्स की राइफलों पे मैं प्रदर्शन करूंगा, बाकी वो ज्यादा ही पावरफुल है। ये तो नमूने उनके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं छोटा मोटा जो टास्क है मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाली जो कोल्ड ड्रिंक है, उबलती हुई, चीर फाड़ती हुई, झनझनाटत। और सेकंड कैमरे का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब कुछ ज्यादा डिस्टेंस नहीं है और नॉर्मल तरीके से हम आपको इनको टारगेट को उड़ाते दिखाएंगे। बाकी सबसे पहले ये वाली बच रही थी, मैं खेलने गया और इसको उड़ाएंगे सबसे पहले हम इसको। और बाकी आज की ये वीडियो मैं आपके बीच रख रहा हूँ स्पेशल यार। सबसे पहले इसको उड़ाएंगे, अब चलते हैं हम अपने टारगेट की ओर। और सेकंड कैमरे में यहाँ पे देखेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, कंटिन्यू बराबर चल रही है सभी की टाइमिंग। छोटा सा वीडियो 2 मिनट का आपके सामने रख रहे हैं हम, अजय शूटर, जो कि हमारी सेकंड शूटिंग रेंज है। कोई पब्लिक प्लेस का यहाँ पे कोई ऐसा खतरा नहीं है। और बाकी शाम का माहौल है, थोड़ा सा मनोरंजन टाइम है। और अपनी बाइक से आए हैं और बड़ी दूर से आए हैं तो ये रही अपनी वाली एफ एक्स। शुरुआत करेंगे हम मैवरिक से, जो कि रेड डॉट मैंने लगा रखा है, बुशनल वाला, बिल्कुल तगड़ा रेड डॉट। ऐसा वैसा रेड डॉट नहीं है कि लोकल है कि भाई हिला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। इसकी जो फिटिंग हो रखी है बिल्कुल बरोबर है। और इस पर 20 mm की जो रेल लगी हुई है उसके ऊपर रेड डॉट लगा हुआ है, आपको फोकस करके दिख रहा है आपको सब चीज। उम्मीद करता हूं इसके अंदर से एक छोटी सी बिंदी निकलती है जो रेड वाली होती है, उसमें लाजवाब चीज है। मतलब ये मैंने अपने तरीके से इसको सेट कर रखा है, आपको सब दिखाऊंगा किस तरीके से क्या टारगेट मारेंगे हम। और इसकी मैगजीन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। बाकी ये FXM3 है, इसकी भी मैगजीन को लोड कर देते हैं हम। दोनों मैगजीन में थोड़े थोड़े पैलेट्स हम लगाएंगे और फिर दोनों राइफलें हम चला के आपको दिखाएंगे FX इम्पैक्ट, क्योंकि पूरे मतलब टॉप सीरीज में यही आती है, इनकी पावर ज़्यादा यूनिक होती है। इसकी मैगजीन में हम पैलेट्स को इस तरीके से लगाने का जो तरीका होता है, जो अपडेट करते हैं हम, इस तरीके से हम इसमें अपलोड कर देते हैं पैलेट्स को। और इसमें एक बार में 38 पैलेट आ जाते हैं, सबसे बड़ी मैगजीन यही होती है। अभी मैं इसमें ज़्यादा पैलेट्स नहीं अपलोड करूँगा, अभी कम ही करूँगा। मैंने इसने पे लॉक कर दिया है, अभी मैंने करीबन 6-7 पैलेट लगाए हैं और इस तरीके से इसकी मैगजीन को कर दिया लॉक और ये लोड हो चुकी है मैगजीन। अब रही मैवरिक की मैगजीन, इसकी मैगजीन में भी हम इस तरीके से सर्कल को यहाँ पे लाके, जैसे जो सैम डायना की जो मैगजीन होती है और जो बेंजामिन फोर्टिट्यूड की होती है, सैम उसी तरीके से लगती है इसमें पैलेट्स। मतलब लाजवाब चीज है, कहने वाली बात नहीं है। अभी पूरे YouTube पे उठा के देख लो, कहीं भी ऐसी वैसी राइफलें मिलेंगी, सिर्फ ये वाली जो इंपोर्टेड होती है, जो उनकी जानता है कि क्या धूम मचा सकती है। ये राइफलें बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलती है। और जिस भाई को विस्तार से इनके बारे में जानकारी चाहिए तो बाकी डिस्प्ले पे जो मेरा आपने पहले नंबर देखा है वही चला हुआ है। और ये पैलेट्स मैंने इसमें लगा दिए हैं और खुले स्थान पे आए थे अपने दोस्तों के बीच एंटरटेनमेंट के लिए। और आपने जो मेरी पिछली वीडियो देखी 12 बोर कॉम्पैक्शन के अंदर, वो कैसी लगी दोस्तों आपको? बाकी एक वीडियो ऐसी एक और टॉपिक पे आने वाली है दो दिन में आपको ट्रेलर पेस्ट कर दूंगा मैं, वो भी फैंटेस्टिक होगी। इसके बोटेक्शन को पीछे किया, इसकी मैगजीन को हम करते हैं यहाँ पे सेट और इसकी मैगजीन लग गई, लेवर को आगे किया और फायर के लिए रेडी है। इसका रेड डॉट को हम शुरू कर देते हैं, ये एक्टिवेट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी सेकंड कैमरा वहाँ पे लगा रखा है, शुरुआत हम करेंगे सबसे ऊपर की जो बोतल है उससे। सेफ्टी को लॉक किया क्योंकि सेफ्टी इसमें लगा हुआ था। क्या फंटास्टिक शॉट मारा, मतलब पहला टारगेट मैंने जैसे बोला था वही उड़ाया राइट वाली को।
क्या झकास चीज दिख रही है, मतलब थोड़ा सा एक बार पास से जरूर दिखाऊंगा मैं ये करके थोड़ा सा पास से, मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ आपको वो नजारा दिखे जो बोतल का दिखेगा, दोनों साइड आनी चाहिए, आ जाएगी ना। अब लोड हो गई, तरीके से पूरा गन में मजा आ रहा है, वो टाल शीट गिर गया, बाकी सेट करते हैं। टारगेट हमारे कुछ इस तरीके थे, लगाएंगे और इसकी बोल्ट एक्शन को पीछे करते हैं, करते हैं फायर के लिए रेडी। मतलब रेड डॉट का सच में निशाना बड़ा कमाल का, ऐसा वैसा रेड डॉट नहीं है, कुछ रेड डॉट मैंने देखे हैं जो लोकल आते हैं उसमें एक्यूरेसी नहीं मिल पाती, फायर करते हैं जाते हैं कहीं और, ऐसा कुछ नहीं। आपके सामने लगा रहा हूं टारगेट, आप सबसे लेफ्ट वाली जो बोतल रखी है फिज की उसको करते हैं। नजारा फैंटास्टिक दिख रहा है, अभी इसमें एक होल लोड है, बाकी FXM3 चलाऊंगा, बाकी लोड है मुझे पता है लोड है, इसको लॉक कर देते हैं, इसका रिजल्ट बाद में बनाएंगे हम। थोड़ा सा गेम का जो मजा लेने हैं इस वाली राइफल का भी आपको दिखा दूं मैं। M3 सबसे टॉप ब्रांड की राइफल रहने वाली है, रहती है, ये किसी से पीछे नहीं हटती, ये राइफल ऐसी है जो आपके माइंड में आ गया है, जैसा कि आपने पूरा कुछ गेम को ही सोच रखा है, ये इसको पूरा कर देती है, आपके सपने साकार कर देती है। आईओ राइफल है सबसे लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ाने वाले टारगेट को, मतलब मैं कभी वीडियो में ऐसा वैसा कुछ छिपाता नहीं, सच में इसमें पावर है, बस सप्रेसर इसमें लगा हुआ है, जब साइलेंट मोड चलती है तो कुछ फील आपको ऐसा होता है कि जैसे पावर नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है, पावर सबसे ज्यादा है। आपको पावर टेस्ट पे वीडियो भी बना के जरूर दिखाऊंगा मैं। सेफ्टी को किया अनलॉक, फायर के लिए रेडी, करते हैं दूसरे टारगेट को उड़ाएंगे। क्या फैंटास्टिक उड़ा है वो, टारगेट गिर गया, बाकी सेट करके आऊंगा उसको जरूर मैं। मतलब राइफल में इसमें पैसा वसूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस बंदों ने जहां से मैन्युफैक्चर होके आए हैं, जो उसकी कीमत है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि उसकी कीमत इसकी पावर अदा कर देती है। फायर के लिए रेडी, एक और शॉट, लास्ट का टारगेट वही बचा हुआ है, अब करते हैं फायर। अब देखो उसको बड़े प्यार से किस तरीके से उड़ेगा वो, उस तरीके से गेम घुमाया उसने, बाकी जो बचे हुए थे। एक शॉट मैरवीर के चलाएंगे हम, एफएक्स इंपैक्ट M3 कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। ये पहली अवस्था में वही लोड पोजीशन पे थी, सेफ्टी को अनलॉक किया और फायर के लिए रेडी। फायर के लिए रेडी, सेंसर, मतलब रेड डॉट से लगा रहा हूं निशाना अपने माध्यम से खड़ा होके। आपको पता है बुसनेले कंपनी का रेड डॉट है, सच में इस पे लाजवाब प्यारा जच रहा है, और ऐसा वैसा रेड डॉट नहीं है, सच में जी जबरदस्त है ब्रांड। आज की इस छोटी सी वीडियो मैंने आपके बीच रखी, और इस तरीके से जो कंडीशन थी आपने जो सामने से देखा है, बाकी
आज का ये वीडियो अपने भाइयों में कैसा लगा बाकी मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाह रहे हैं। अगला वीडियो जो होगा 12 बोर पे होने वाला है। और बैंड बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ओके।